हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा ब्यूटीफुल जेड का प्लांट है। तो आज हम इसकी कटिंग ग्रो करने का मैं एक बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा आपको, और आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो बिल्कुल 100% मिलेगा। तो हम इसकी कुछ कटिंग काट लेते हैं जो आपको मैं उन्हें ग्रो करके बताऊंगा और आपको उनका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ इसकी जो सॉइल मिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसी सॉइल मिक्स रखें और इसे जल्दी ग्रो करने के लिए क्या करें। तो चलिए दोस्तों, अपने कुछ कटिंग ले लेते हैं। तो मैं एक ही ब्रांच ले लेता हूँ, इसे हम काट लेते हैं कटर से, और एक ये ब्रांच ले लेता हूँ मैं। तो मैंने ये दो कटिंग ले ली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इन्हें ग्रो कैसे करें। तो चलिए मैं आपको इसकी सॉइल मिक्स बताता हूँ। तो दोस्तों, इस सॉइल मिक्स में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, और सिर्फ जो सैंड है वो ऐड किया है, और इसमें कोई भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है। आप इसमें थोड़ी सी ज़रूर अपने गार्डन सॉइल ज़रूर मिला लिए, क्योंकि अगर इसमें सिर्फ कोकोपीट रहेगा तो आपकी रूट्स डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन जो प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो करने लग जाएगा, और उसका जो आप अगर बोनसाई बनाना चाहते हो तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो आप ये सिर्फ 30-30 के रेशो में ले लीजिए, 30% सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% कोकोपीट। तो इन तीनों को मिलाकर, और आप इसमें थोड़ा सा चारकोल के पीसेस डाल सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये है हमारी सॉइल मिक्स रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे ग्रो करें और इसका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दूंगा। और तो हमें एक पॉट लेना है, बिल्कुल मिट्टी का पॉट लीजिए, जो नर्सरी पॉट होता है वो ले लीजिए, और उसमें होल होना चाहिए, ड्रेनेज होल। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा है, तो एक ड्रेनेज होल होना चाहिए, और एक पत्थर लीजिए और उस ड्रेनेज होल को ढक दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो, जो कोकोपीट अगर मिक्स करा हुआ है, तो मिट्टी आपकी पानी की वजह से बह जाएगी। और अगर आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया सीज़न है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होएगी, और साथ ही साथ इसमें जो रूट्स है वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाएंगी, और इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कटिंग दिखा देता हूँ मैं। आपने मैंने कटिंग ली थी, जो ये देखिए, दो कटिंग ली थी मैंने। तो हमें इसके नीचे के पत्ते रिमूव करने होंगे, तो आप इन्हें तोड़ के रिमूव कर दीजिए। तो मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो हमने हमारी कटिंग के सारे पत्ते नीचे के रिमूव कर दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक अच्छी कटिंग है, और ये बिल्कुल हेल्दी कटिंग ली है हमने। और अभी थोड़ी धूप निकली हुई है, कुछ टाइम से बारिश नहीं आई है, लेकिन आप इस टाइम में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास इसे ग्रो करने का एक फास्ट तरीका बताएं, तो आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, फास्ट रूट का रूटिंग हार्मोन है मेरे पास, आप इसका भी यूज़ करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉइल मिक्स में अगर कोकोपीट मिलाते हो तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें सैंड, ये जो अपना सॉइल मिक्स है, वो इसमें ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों, हमने हमारा जो सॉइल मिक्स है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए हम इसे कटिंग को ग्रो करते हैं। आप इसे डायरेक्ट यूँ ऐड करके भी इसमें डाल दीजिए, ये आसानी से देखिए रुक जाएगी। तो आप देख सकते हैं, यूँ कटिंग लीजिए और आसानी से इसे यूँ दबा दीजिए, ये इस कोकोपीट की वजह से अच्छे से इसमें चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमें इसमें वाटरिंग भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, हम इसमें वाटरिंग करते हैं, तो आपको बताता हूँ मैं वाटरिंग। इसमें अच्छे से पानी दीजिए, और बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए, ताकि जो इसमें पानी वो रुके नहीं। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा, तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ कटिंग ग्रो करी थी और इनका रिज़ल्ट मेरे को बिल्कुल अच्छा मिला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके रूट्स दिखाता हूँ। इसे पानी बिल्कुल कम दीजिएगा, और जिससे इसके रूट्स अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। इसे आप अच्छे से निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए, इसमें रूट्स निकल गई है, बिल्कुल प्यारी रूट्स निकली है, हेल्दी रूट्स निकली है, और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और अगर ऐसे आप ग्रो करेंगे तो आपका जो जेड प्लांट है वो बहुत जल्दी ग्रो होएगा।